फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की कड़ी। इसके लिए जो सामान लगेगा वो है आधा लीटर दही, 1 टेबल स्पून तेल, 2 सूखी लाल मिर्च, जीरा, मेथी, हींग, नमक स्वादानुसार, राई, कड़ी पत्ता, 2 टेबल स्पून बेसन, हल्दी, मिर्ची, गाजर। अब हम एक कढ़ाई में पहले तेल डाल देते हैं। थोड़ा गर्म होने पर इसमें 1 चुटकी हींग, 2 चुटकी राई, जीरा, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा भूनते हैं। फिर इसमें हल्दी पाउडर डालकर गाजर डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक गाजर पकती है तब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। दही को एक जार में डालकर बेसन डाल देते हैं। पानी डालकर इसको फेंट लेते हैं। ये देखिए हमारा दही अब फिट गया है और मुझे इतना पतला रखना है, पानी डाल के फेंट लेना है। अब हम गाजर चेक करते हैं पक गई। हाँ, ये देखिए गाजर फूटने लगी, मतलब मेरी गाजर पक गई है। और गाजर में पहले से नमक नहीं डालना था, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही डालने से पहले और बनने तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। जब ये चलाते चलाते खोलने लगेगा तब इसमें हम अपने स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अभी हम इसको चला रहे हैं और ये खोलने दे रहे हैं। ये देखिए अब हमारी कड़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपने स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको 5 मिनट तक और उबलने देंगे। शुरू। 5 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए मेरी कड़ी अच्छे से उबल गई है। अब इसको हम बंद करके इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। अब इसको परस लेती हूँ।